अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज आपको, आप कहते रहते ना मेकअप बताएं मेकअप बताएं, तो बस मैं ऐसे ही नॉर्मल सा रेडी होने लगी थी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपनी रूटीन के हम क्या यूज़ करते हैं मेकअप के लिए। मेरा मेकअप खैर तुसी इतना वो नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत पूछते हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। ठीक है प्रिटी, थैंक यू थैंक यू। मेरे बाल जो है ना बहुत रफ हो गए, इसलिए ना मैं इनको ठीक करती रहती हूँ। ए कदी किधरों खलो जाते हैं, कदी किधरों खलो जाते हैं। इनकी ना कोई सख्त सख्त ट्रीटमेंट होने वाली है। अच्छा ये देखें, मेकअप लगाने से पहले आपने क्या करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है मेरे पास सीरम, ये डबल सीरम है क्लारेंस का, ये वाला। ठीक है, इसको पहले अपने फेस के ऊपर आज हम आपको बताएंगे बड़े ही मजेदार तरीके का मेकअप। ठीक है, ये है क्लारेंस का सीरम। आपने सीरम को इस तरह लेना है, इतना का लेना है, ऐसे ऐसे करके, और थापड़ लेना है चेहरे के ऊपर, थापड़ना है ऐसे ऐसे थापड़ लें इसको अच्छी तरह से, थापड़ थूपड़ के इस तरह से। पलवशा फ्रॉम वे यू बाय सूट्स, भाई ये मेरी शर्ट्स ही हैं, ये तो लाइट कलर की शर्ट है। वैसे मैंने पहन के तो पिंक जानी, वो आपने देखी थी जो मैंने कल पहनी थी ना, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये ऑफ वाइट, ये ऑफ वाइट नहीं है, हाँ ऑफ वाइट है, मुझे ना बड़े प्यारे लगते हैं ये वाले कलर। अच्छा गर्दन पे भी लगा लिया हमने अच्छी तरह से, अपनी नेक नेक का ख्याल रखा करें, अपने क्या थापड़ रही हैं भाई, हम भी कुछ थापड़ना नहीं चौपड़ना है थापड़ना नहीं डार्लिंग, चौपड़ना है, जैसे चौपड़ते हैं ना रोटी वैसे ही। और ये है क्लिनिक का कलर करेक्टर, जिनका मुंह डब खड़िब्बा हो, आई मीन कहीं से रेड होया हो, कहीं से वाइट लग रहा हो, कहीं से डार्क हो, तो आपने ये जो है ना कलर करेक्टर, ये देखें कलर करेक्टर है पीले रंग का, ये देखें पीले रंग का है ना, पीले रंग का कलर करेक्टर। इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, और ये स्किन को इतना स्मूथ कर देता है ना, ये देखें, मैं बहुत ही ला लिया तुहानू बखाण दे चक्कर च, इतना नहीं था लगाना। ये देखें इसको मैं लगा के, हाय गर्मी भी बड़ी लगती पई, बेड़ा तर जाए किधरों, कोई बारी बुआ नहीं खुला। मैंने ना जाना कहीं, मैं बड़ी मसरूफ हूं, मैं पता नहीं क्यों आ गई जे लाइव, मेरे को टाइम कोई नहीं बिल्कुल भी। हाय हाय गर्मी, ये देखें कलर करेक्टर हमने सारा इस तरह से लगा लिया। अब आप देखेंगे मेरा कलर जो है वो ठीक लगना शुरू हो जाएगा। आपको बेस जरूरी है, आप खाना ही सिखाएं ज्यादा अच्छी लगती है। आ गए जे बिच, मैं तुहानू की कहा सी कल, मैं तुहानू की कहा सी भाई, जिंदगी च खाना पकाना ही नहीं, और भी बड़ा कुछ है। मैंने कल कहा था कि ना मैं, मुझे आप लोग कहते हैं ना कि आप मेकअप बताएं, तो मैं जब बताऊंगी ना तो कई ऐसी आत्माएं आएंगी जो आके मुझे कहेंगी कि आप ना खाना ही पकाएं, आप ये किस काम लग गए हैं भाई, मैं खाना पकाते, आपने कभी मुझे देखा है बुरे हालों में? खाना पकाने से पहले ना मैं ये करती हूँ ऐसे ऐसे, खाना मैं एवं ही नहीं सर झाड़ मुंह पाड़ खाना पकाने चली जाती। आपको पता है हस्बैंड का जो दिल का है रास्ता, वो हस्बैंड के ना पेट से होके गुजरता है, लेकिन खाना परोसने वाली की भी हालत इस काबिल हो। अच्छा तो खाने के, इसके ना ये लगा हुआ है, तो मैं इसके साथ ही ऐसे ऐसे कर लेती होती हूँ। तो खाने के साथ साथ अपनी शक्ल का भी ख्याल रखें, अच्छा अपने चेहरे का भी ख्याल रखें, और ऐ नहीं कि बस तुसी खाली खाना ही पका के ते बस कोल ताड़े हो, जो मसालियां दी मेथी दी तड़कियां दियां खुशबुआं आंदियां होन, हैं तो फिर कहें जी बस हमने तो खाना ही पकाना है, जिंदगी च पैदा ही खाना, होर भी बड़े कम जे बाजी बिल्कुल हाँ
कि हम लोग ना किसी को कुछ करने नहीं देते, भाई मेरी मर्जी, मैं खाना पकावा, मैं जो मर्जी करा, खबरदार मैनू किसी ने कुछ किया, गर्मी लवा छड़ी जे फट के गर्मी लगने लग गई। और ये मैंने कंसीलर लगाया था सारा आपको दिखाने के चक्कर में, इतना मैंने मेकअप करना नहीं है। सो क्यूट बिल्कुल है, हस्बैंड बेचारा घर आए, बिरयानी पकाई हुई, पुलाव पका हुआ है ते कोलों जो मसालियां दिया खुशबुआ, वो खाना ते खाएगा पर तुहाडे कोल बहना को नहीं जो, ठीक है तो बीवी वही अच्छी लगती है जिसने खाना बेहतरीन पकाया, वो हस्बैंड के पास आके बैठे, खाने के बाद ना शावर किया करें, जाके नहाया करें, नहा के अच्छा सा परफ्यूम लगाया करें, अच्छी सी तैयार हुआ करें ऐसे, और फिर आके जो है ना हस्बैंड आए उसको हंस के वेलकम करें कि बिस्मिल्ला जी आप आ गए हैं घर हैं, देखिए मैंने आपके लिए आज क्या पकाया। तो ये हस्बैंड को जो है ना ये, हाँ देखें फिर वो कितना खुश होता। तो जे वो कहे कि नहीं, तू खाना ही पका, मैं बाहर ही जाके खुश होके आ जा करांगा, बाहरों ही बथेरियां सोनिया बाहर फिर दी हैं, यहां कोई कमी है वो सन की मुझे बताएं यहां वैसे कोई नजर ना आए ना तो पोस्टरा ते बड़ा कुछ नजर आ जाता जे, तो इसलिए अपने आप को ना अच्छी हालत में रखें। आपने मुझे देखा है, मैं हमेशा से शुरू दिन से बेड़ा तरगण, मैंने ब्रश नहीं लगना, शुरू दिन से मेरी ये आदत है, मैं कभी भी मेरी शादी को 25 26 ईयर्स हो गए हैं, ये देखें ये है ड्योर का पैलेट है, इतने साल हो गए हैं शादी को, लेकिन मैंने हमेशा इस चीज का ख्याल रखा है कि मैं, मेरे हस्बैंड घर आए और मैं फ्रेश हूं, और जो है मेरे से खाने की स्मेल नहीं आनी चाहिए, ठीक है, सफाई वैसे भी निसफ अमान है, और वो बीवी जो है वो, उसको बड़ा इस चीज का सवाब कहा गया है जो हस्बैंड के लिए तैयार होती है और अच्छी लगती है। समझ आई जे हुण, ये जो सोच है ना दकियानूसी सोच, ये छोड़ दें कि भाई जो खाना पकाए वो जिंदगी च बस चूल्हे ते चढ़िया रवे और कुछ ना करे, मेरा तो ब्रश भी नहीं लभदा पिया, ये थोड़ा सा आईब्रोज जो है ना इनको थोड़ी शेप करनी थी, पर मेरा ब्रश ही पता नहीं कितने वे चले, मैं थोड़ा सा, ओ हाय मैं मेकअप वेखो ना कैसा पुठा सीधा किया है, तानू विखाण दे चक्कर च, तो वो किसी ने ना आजकल टिकटॉक पे ये बड़ा वायरल हो रही है चीज, कि जो औरतें कपड़े अपने संभाल के रखती है ना कि हम कहीं आने जाने के वक्त पहनेंगे, हम कहीं बाहर जाएंगे तो फिर पहनेंगे, अगर वो कपड़े वो घर पहनने शुरू कर देना तो उनके आधे मसले हल हो जाए। अब देखें आप लोगों को कितना होता है कि भाई हमारे हस्बैंड ससुराल वालों की बातें सुनते हैं, हमारे हस्बैंड अपनी अम्मी के पास जाके, भाई अम्मी दे कोल ही बहना जाके, जो तुसी अपने आप नूं तड़का लाया होना है गोभी दा ते पकौड़िया दा, उन्हें कहना मैं अम्मी कोल ही चंगा वा है, चल दफा करें ऐसे लोगों को, मेकअप बता दें। अच्छा ये मेरे पास ऐसे ब्रश है, मैं बस थोड़ा सा ना अपने ये आईब्रोज जो है, मेरे तो आईब्रो ही बेचारे उड़ पुट गए ने, अब मैं कोई प्लकिंग कुछ नहीं करती, कुछ नहीं कर दी, वो है ही कोई नहीं, उड़ गए हुए हैं सारे, नो प्लकिंग नथिंग। मेरा वो बैग लाना मेकअप वाला, मैं दिखाऊं इनको, और मैं अभी भी मैं बड़ी फोकस्ड हूँ, मैं बताऊँ कल मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर गई शॉपिंग करने गए, तो पैलेट एक ये है मेरे पास, पैलेट ये देखें पीच पैलेट है मेकअप वाला, तो अपने हस्बैंड के साथ ना मैं शॉपिंग पे गई कल, अच्छा तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, यह लाना सी, पर एनीवे मैंने लगा लिया, ठीक है। बताएं मुझे कितनी दफा आपके हस्बैंड ने कहा कि आप अच्छी लग रही हैं, ईमानदारी से बताएं जरा मुझे, मैसेज करें नीचे, और आपने कितनी दफा एफर्ट किया ये बताएं। इसमें ये है लाइट वाला, ये लाइट वाला है, ये देखें मेरा एड्डा कोई कॉम्प्लिकेटेड मेकअप नहीं, बड़ा सिंपल सा है,
सिंपल सा मेकअप है, कोई मैं औखा शोखा मेकअप नहीं करती, बस स्किन की टोन सारी एक जैसी करके, तो हस्बैंड कहे ना अच्छी लग रही हो, तो बस बाकी सारे नु पाओ चुल्ले दे विच, ठीक है। गुड, डेली कहते ना अच्छी बात है, एफर्ट किया करें अपने लिए उनके लिए। मेरा हस्बैंड रोज बिल्कुल मैं तो दसा, मेरी एक फ्रेंड थी, औरतों का ना वैसे अच्छा भी नहीं लगता अगर तो हस्बैंड तारीफ ना ना करें, भाई हमारे तो हस्बैंड तारीफ ही नहीं करते, तारीफ ही नहीं करते, कुछ नहीं बोलते कभी भी, जितना मर्जी सुंदर लगो वो सड़ देने वो कह, और जिनके बिल्कुल नहीं ना कहते वो समझे वो बहुत खूबसूरत लग रही, वो ये समझ ले वो बहुत खूबसूरत लग रही है, ठीक है। बस लाइट सा, और इसका मैं फिर ये लूंगी, ये है समर यम, ये समर यम है इसका ये वाला, तो जो कहते नहीं ना कुछ समझो तुसी बहुत सोनिया लगती हो, और लफज ही नहीं होते उनके पास कहने के लिए। मैंने जिंदगी में बहुत बहुत कुछ किया है, मैं आपको बताऊं, मैंने जॉब्स भी की हैं, मैंने घर का भी बहुत काम किया, मैंने घर से भी काम किया, लेकिन अपनी हालत मैंने कभी खराब होने नहीं दी, ये मस्ट है। प्रेजेंटेबल जो है ना खुद को रखना बड़ा जरूरी है, जिस इंसान की अपनी हालत ठीक नहीं है ना और जिन्ना मर्जी सोने चवाड़ के बैठा हो है, वो जितना मर्जी सोने में घुस के बैठा हो कोई फायदा नहीं है। आपका जो है ना, अल्लाह ने आपको जो जो कुछ दिया हुआ है वो आपके नजर आना चाहिए। ये देखिए बस मैं थोड़ी सी क्रीज, मेरिया तो अखा तक की मेकअप होना, मेरिया अखा तक मेकअप करने की जरूरत ही कोई नहीं, मैं तो दो चैनी पूछ लवा, एक इधर तो एक इधर कर लवा तो मेकअप हो जाए। उनकी ब्यूटी स्पीचलेस होती है, तुसी परेशान हो या करो कि वो तारीफ नहीं करते, समझो कि बहुत ही खूबसूरत है। मेरे हस्बैंड कहते हैं और साथ भी होर लगा कर रखते जाते हैं, साथ की लगा के रखते जाते हैं, नहीं आप ही तारीफ करनी करनी चाहिए तारीफ, इतना मेकअप कर रही हैं, अभी लाइट है मेकअप तो नजर आंदा पे, मैं तो नजर ही नहीं आंदा पे, देखें आपको नजर आ रहा है, अभी तो मैंने ब्लश ऑन भी नहीं लगाया, हले तो मैं फाउंडेशन ही लाई जे। गोइंग थ्रू सम टाइम्स वेरी टफ इन माई लाइफ, प्लीज प्रे फॉर मी, भाई अपने लिए जिए, जड़ा नहीं खुश हों उन्होंने को जा जी और जी नहीं तो, तू तो खुश ही नहीं होना है, तुमने तो खुश ही नहीं होना, तो असी तो खुश हो लई आप ही। देखें बस हल्का सा मैंने किया है, और जो मैंने सूट पहना ना वो ये पिंक है, पिंक थोड़ा सा इधर मैं पिंक ऐसे कर लूंगी। तुसी मेकअप जो है ना, मैं इसलिए भी बहुत नहीं आपको बता रही कि मुझे पता है बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं मेकअप में, बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, ये है ए पता नहीं कादा जे, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, इट्स कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी, आपकी बातें हंसा देती, ए पता नहीं केड़ा है, यू लुक ब्यूटीफुल, आप ही विद मेकअप बहुत प्यारी हैं, विदाउट मेकअप तुसी मेकअप सीखना सी ना तुसी मेकअप सीखना सी, बीवी का हौसला करनी चाहिए, बीवी की हौसला अफजाई, दिस इज वट हमारी देसी औरतों की आधी प्रॉब्लम यही है, और पता हमारे कल्चर में झिझक भी बहुत है, बेनिफिट अच्छा उसका है, मैनू को नहीं पता केड़ियाँ चीज़ां केड़ियाँ ने, हस्बैंड भी कई दफ़ा झिझकते हैं, वो बताते नहीं बीवी को कि वो कौन सी चीज़ उनको बुरी लग रही है, लेकिन मैंने देखी है कई औरतें नहाती नहीं है, तैयार नहीं होती, एफर्ट नहीं करती, बच्चे भी गंदे, अपना भी कोई हाल नहीं, फिर वो कंप्लेन करती हैं कि हमारे हस्बैंड तो हमारी केयर नहीं करते, हमारे हस्बैंड तो हमारा ख्याल नहीं रखते, भाई आपको खुद इतना अच्छा रखना है कि वो आपकी तरफ भी ध्यान रखें, इतना मेकअप कर रही हैं, लाइट मेकअप है बस लाइट ही जे, यह देखो सुरम सिलाई थोड़ी सी हल्की सी बस ऐसे मैंने लगानी, मेरी अखां ते कोई मेकअप एडा होंदा ही नहीं खास, एक मैं मोटी ला लेनी ते एक मैं हल्की लगा लेती हूँ बस इतना सा, इससे ज्यादा नहीं। देखे ये मेरा मस्कारा, क्लिनिक का मस्कारा है, नहीं कहते बीवियां खराब हो जाती, अच्छा नहीं कहते बीवियां,
ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੌਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉਂਝ ਹੱਥ ਪੈਰ ਡਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਕੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇ ਬੀਵੀ ਕੋ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਪਸ ਮੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਕੇਅਰ ਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਯੇ ਆਪਕੋ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਤਾ, ਯੇ ਆਪਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਮੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਸ ਐਸੇ ਹਲਕਾ ਸਾ ਮੁਸਕਾਰਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਆਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਈ ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਨਾ ਕਈ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਐਸੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕੋਈ 2-3 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਸੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਰਕਤ ਹਰਕਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੋਂ ਵਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਪੈਲਟ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਲੋ ਇਹ ਹੈ। ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਯੇ ਮੇਰਾ ਪੈਲਟ ਹੈ, ਇਸਕਾ ਡਿਓਰ ਕਾ ਦੇਖੇ, ਇਸਕੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਮੈਨੇ ਯਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯਹੀ ਵਾਲਾ। ਸੋਰੀ, ਮੇਕਅਪ ਸੇ ਹਟ ਕਰ ਬਾਤ ਕਰੇ ਬਾਤ ਹੈ ਪਲੀਜ਼, ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਨ ਕੀ ਰੈਸਿਪੀ, ਆ ਨਾਨ ਹੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਆ ਵੇਖੋ ਨਾਨ ਕੋ ਹਮਨੇ ਬੇਲਾ, ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਹਮਨੇ ਲਗਾਏ ਸਾਰੇ ਹਰਾ ਧਨੀਆ ਮਸਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਬ ਹਮਨੇ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਨਾ ਖੁਸ਼ਕਾ, ਖੁਸ਼ਕਾ ਆਈ ਮੀਨ ਹਮਾਰਾ ਸ਼ਾਈਨੀ ਬਲਸ਼ਰ, ਐਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਐਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਐਸੇ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਸਾ ਮੈਨੇ ਮੇਕਅਪ, ਇਸ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਇਸਮੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲਾਈਟ ਵੋ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇੰਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਨਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਧਾ ਤੰਦੂਰ 'ਚ। ਫਰੈਂਡ ਡੀਅਰ ਸੀਮਸ ਮਾਈ ਟਵਿਨ ਫਰੋਮ ਅਡੰਬਰਾ, ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮਜਾ ਲਿਓ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਇੱਥੇ, ਯੇ ਕਲਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਯੇ ਕਲਰ, ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਪੀਚ ਪੀਚ ਆਈਏ, ਲਾਈਟ ਪੀਚ, ਆਈ ਲਵ ਯੋਰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਜੀ, ਲਵ ਕਿਸ ਕਿਸ ਸੇ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਉਤਰੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਸੱਚੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਪਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪਲੰਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕੇਅਰਰ ਕੁਕੀ ਲੇਡੀ ਸਭ ਕੁਛ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਕਾ ਸ਼ੇਡ ਕਿਆ ਹੈ, ਲਿਪਸਟਿਕ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ 739 ਪੀਪਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਕਅਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਕੋ ਇਤਨਾ 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 ਮੇਕਅਪ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯੇ ਦੇਖੇ ਇਤਨਾ ਮੇਕਅਪ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਮੇਕਅਪ ਆਜ ਕੀ ਲੁੱਕ, ਉਮੀਦ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ, ਤੋ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਹਮ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੇ।